दोस्तों, नोकिया की तरफ से आपको तीन ऐसे अपकमिंग 4G कीपैड फ्यूचर फ़ोन देखने को मिलेगा जो कि अपने प्राइस के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अगर आप एक 4G कीपैड फ्यूचर फ़ोन लेना चाहते हो तो। इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीनों ही फ़ोन में आपको ड्यूअल 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में दोस्तों प्रे इंस्टॉल आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा। सभी तीनों फोन में आपको 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं नोकिया 1100 4G कीपैड फ्यूचर फोन के बारे में, जो कि आपको मई 2023 तक देखने को मिलेगा। इस पे आपको 4 इंचेस का 720 वाला HD स्क्रीन के साथ में नीचे आपको कीपैड भी देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का, रियर साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा। और हां दोस्तों, ये आपको 6999 पे देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों हम दूसरी फोन के बारे में बात करें जो कि आपको देखने को मिलेगा, नोकिया 6800 4G कीपैड फ्यूचर फोन, जो कि आपको इसमें भी 4 इंचेस का 720 वाला HD स्क्रीन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको रियर साइड में 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा इस पे, और इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 6999। दोस्तों अगर हम अगली फोन के बारे में बात करें जो को आपको देखने को मिलेगा, नोकिया मिनिमम 4G कीपैड फ्यूचर फोन, दोस्तों आपको 3.9 इंचेस का 720 वाला HD स्क्रीन के साथ में आपको रियर साइड में 5 मेगापिक्सल का, फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 4999। तो दोस्तों ये तीनों ही फोन आपको 2023 में देखने को मिलेगा, जो कि मई के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में आपको तीनों ही फोन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये तीन नोकिया का कीपैड फ्यूचर 4G फोन।